गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब हो? आप सब अपने घर में अच्छे होंगे और देख रहे होंगे आप लोग मैं नहा धो के रेडी हूँ। और टाइम भी देख लो एक बार, 9:20। और ना मैंने अपना सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा नहाना धोना सब हो गया मेरा। पता है मैंने क्यों काम किया इतनी जल्दी? क्योंकि अभी जाना है मुझे एक पूजा में, हो रही हूँ लेट, तो फटाफट से चलते हैं। बाकी दिखाती हूँ वहीं पहुँच के, गृह प्रवेश की पूजा में जाना है अभी, हवन के टाइम पर पहुँचना है। चलो चलते हैं। और सुबह सुबह यार इतनी तेज़ धूप है और गर्मी भी, ना ही धोई हूँ और पसीने में देख लो क्या हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे सोना के पापा और एरिक के भैया और आगे आगे भागने लग रहे हैं, भागने लग रहे हैं, लेट हो जाए कि तीन फोन आ गई। अच्छा पकड़िए, ये घर की चाबी तो लो, उठा लो उठा लो, चलो चलते हैं। पहुंच गए हम पूजा वाली जगह। चलो, ये है अंकल जी के नए घर की पूजा, अभी शुरू हुई है, हवन होएगा अभी। और ये बैठे अंकल आंटी और वो अंकल जी की बेटी। और ये शुरू हो गया है हवन। अत जाकी पार्वती पिता महादेवा दंत दयावंत चार भुजधारी। मैं हवन में और प्रसाद भी ले आई, अब चलते हैं घर। आ गई हूँ मैं घर और अब देखो गेट खोलते हैं और अंदर कौन मिलेगा। इसको करके गई थी मैं यहाँ बंद। सोना ओए भूख लग रही थी क्या? अच्छा अभी बनाती कुछ खाने का। ये लेटा हुआ था, मुझे लगा सो जाएगा तो मैं इसको यहीं लॉक कर गई थी, फिर इसका फ़ोन आया वहीं पर ही कि कहाँ चले गए आप। तो अब खिला देती हूँ सोना को भी प्रसाद और मैं भी खा लेती हूँ, भूख लग रही है। हो गई है शाम और हम आ गए हैं पार्क। और मेरे साथ कौन आया पता है? इधर से मिलो, ये देखिए पार्टनर मेरा, इसको लेके आई हूँ, ये घर में बैठा था। मैंने कहा तू भी चल, मैं रनिंग कर लूँगी, तू बैठ जाइए। कर दिए मैंने और सोना ने वॉक शुरू। सोना भी मेरे साथ एक राउंड ले रहा है, उसके बाद करेंगे रनिंग, मतलब मैं करूँगी, सोना नहीं करेगा। ये खाली टाइम नोट करेगा कि मेरा एक राउंड रनिंग का कितनी देर में होगा। तो देखती हूँ सोना अभी अगर मेरे साथ रोज़ आ जाया करेगा तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। हाँ सोना आ जाया करेगा है, और हम दोनों ने कर रखी है मैचिंग रेड। हाँ तुझे तो तू अपने आराम से धीरे धीरे वॉक करना, वॉक बताइए तुझे, रनिंग नहीं करनी इसको अभी, रनिंग मुझे करनी है, मुझे ज़रूरत है रनिंग की। आप लोग भी देख लो पार्क, ग्रीनरी देख लो, ग्रीनरी देखा ही नहीं है कभी। अरे ये वाला नहीं देखा होगा ना, नहीं देखा होगा, सेक्टर 11 वाला पार्क है ये, गोल चक्कर है ना, सेक्टर 11 का ही नहीं, कौन सा कौन सा सेक्टर 10-11 जो भी है समझ गए। बस 1 किलोमीटर का पार्क, इतनी ग्रीनरी। दो राउंड कर ली मैंने वॉक और दो राउंड रनिंग, और अभी लास्ट ये वॉक कर रही हूँ। और सोना पता नहीं कहाँ बैठा है, बिछड़ गए हम, अभी उसको फ़ोन करूँगी फिर जाएंगे घर। पता पार्क आने का ना, घर से निकलने का ही हल्का सोचता है, बस पार्क आके तो मज़ा आता है, तो अभी रनिंग करके मुझे अच्छा लग रहा है। पर वही ना, रोज़ आने का शेड्यूल नहीं बन पाता, नहीं तो अभी तक मैं कितनी पतली हो जाती। सोना को ढूंढने के चक्कर में मेरा एक राउंड और लग गया वॉक का, क्योंकि फ़ोन भी उसका मेरी जेब में है। तो और पता है कहाँ मिला है, तो अभी दिखाती हूँ, वो बैठा ये नहीं वो बैठा ये बैठा, और मैं इसको पूरा राउंड देख के आई हूँ। अरे मेरे से फ़ोन तो ले लेता अपना,
मैं तेरे को ढूंढते ढूंढते एक राउंड और एक्स्ट्रा कर आई हूँ। चलेगा? चल, थक गया बैठा, बोर हो गया इंतजार करके। ना वॉक कर ली तूने? बैठे बैठे पसीना आ गया भाई साहब, क्या हवा चली है यार, वॉक करके ना बिल्कुल गर्मी लग रही है। साइकिल के पावर को देख, आप कितना मोटे हैं ना भाई, कैसे बना रखते हैं आप, इधर ऐसे आते हैं। अरे सुनो, मैं तुझे ढूंढ रही थी ना जब तेरा फोन मेरे पास था, तो मैं दिखा रही, तो गलती से मेरा फोकस ना कुत्तों पे हो गया। मैंने कहा सोना ये बैठा हंसना था, हंसना था, ठीक है हंसना तुम लोग। तू रेड वो ब्लैक कमेंट में हंसने के इमोजी भेज देना। तू व्लॉग बना रहे क्या? ओ, इतना तो पता ही नहीं है, इतना तो नहीं पता ही नहीं कि हम व्लॉग बना रहे। वाह, अबे तू नीचे फोन रखा है, शॉक हो गई मम्मी। अबे मुझे नहीं मतलब, अभी तू रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे पता नहीं था। ओ शॉक हो गई अब तू, पता है मैंने खुद क्लिप बना रही थी, मैंने कहा मैं बनाऊंगा, कह रही ठीक है बना। अरे ओ तू व्लॉग बना रहा है, एक्टिंग देख ले बड़ा मजा आ। रनिंग करके हम पी ने आए थे शेक सेक्टर 10 की मार्केट, रनिंग करके शेक पीने आए थे, रोटी है। अरे बनाना शेक, तू बनाना शेक पीने आया था ना? मैंने जूस पिया, इसलिए बनाना शेक। तो अभी चलते हैं घर, घर जाके बनाना खाना और फिर खाना है। और आके लग गई हूँ मैं अपने ड्यूटी में खाना बनाने की। मैं बताऊँ खाने में क्या बना रही हूँ? खाने में बना रही हूँ ये तो सोना के लिए बन रहे हैं। अरे यार इधर लाइट नहीं अच्छा से आ रही, अब देखो अच्छा दिख रहा है ना। पनीर के पराठे, और इनके लिए बन रही है रोटी। तवे को मत देखना क्योंकि इस पर अभी पराठा बना था ना, तो वो थोड़ा वैसा हो गया, साफ़ हो जाएगा, उस पर ध्यान मत देना। और ये देखो कल वाले फ्रूट, ये धो के रख दिए थे मैंने, पर मेरे अलावा कोई खा ही नहीं रहा इनको। और ये ले आए इतनी सारी सब्जी। और एक चीज़ और दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो, ये देखी नहीं होगी ना आपने, ये देखो पता क्या है, ये है गेहूँ पीसने की चक्की। तो अब से आटा पीस जाएगा घर में ही। एक बार इसकी थोड़ी सर्विस करवानी है, तो वो सर्विस के लिए बुलाएंगे, और फिर अब से आटा पीस जाएगा घर में ही। और एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गई थी मैं, देखो सोना के लिए चने भी होती है ना, मैं तो आज इसमें थोड़े ही चने खाए, तो बाकी मैंने ना देखो यहाँ से उबाल के मैंने छोंक दिए थे। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा हलवा बना लेती इनके साथ, हलवा और चने, जैसे वो माता का प्रसाद नहीं होता नवरात्रों में बनता है, वो वाला मज़ा आ जाता खा के, पर कोई हाई नहीं भर रहा। हो गया है खाना पीना डन, अब करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलेंगे कल आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत। और व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल सुनाना भारद्वाज व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी करना। तो बस यही था आज के व्लॉग में बस। और हाँ एक चीज़ और दिखाऊँ, देखो वेट मशीन निकाल दी है, अब कल सुबह सुबह इस पे करेंगे वेट, और फिर करेंगे रनिंग। तो देखते हैं कल सुबह कितना वेट आएगा। बस अब मिलेंगे कल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।